गुड मॉर्निंग सर, सर्दी तो काफी ज्यादा होगी, शेयर कौन सा आपके पास? मेरे पास सर मिर्जा इंटरनेशनल है, 277 के भाव पे, 277 के भाव पर है, 250 शेयर, 229 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि एक बड़ी तेजी आई थी और ये शेयर एक तरफा रैली में 350 के स्तर को भी पार कर गया था, लेकिन वहां से हमने फिर प्रॉफिट टेकिंग का भी दौर देखा मिर्जा में। इसके सपोर्ट लेवल आप बताइए मंदार कौन से हैं मिर्जा इंटरनेशनल में, और आप आगे अब कौन से लेवल्स देख रहे हैं? पिछले एक महीने में देखिए 20% ये शेयर गिर चुका है। अभिषेक जी देखिए, जैसे आपने कहा कि पिछले यानी 2020 के बाद स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिली। स्टॉक नीचे की यानी कोविड के वक्त 27-28 रुपए तक नीचे गिरा था, वहां से ऊपर में 360 रुपए तक चला, बहुत जबरदस्त रिटर्न है ये, 10 times रिटर्न है। अब इस तरीके का रिटर्न जनरेट करने के बाद करेक्शन तो ड्यू है, और ये करेक्शन पिछले 4 महीने से चालू है, तो जो एक दो ढाई साल का एक अपमूव है उसके बाद वाला ये 4 महीने का ही तो करेक्शन है, तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन और डिपेंड हो सकता है और लंबे अरसे के लिए करेक्शन चलेगा। नीचे में ये 180 तक स्टॉक नीचे आ सकता है, तो मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू ना हो तो इसमें से बाहर निकल जाना बेहतर होगा। इवन लॉन्ग टर्म व्यू हो तो भी निकलना बेहतर होगा, क्योंकि आपको नीचे में खरीदारी करने का चांस मिलेगा। तो मेरी राय तो रहेगी कि एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि अगले 2 साल तो ये स्टॉक करेक्शन में बना रहेगा। सपोर्ट लेने के बाद फिर वो लेवल्स पे कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी सपोर्ट थोड़ा और नीचे है, 180-170 इस तरीके के लेवल्स अगले कुछ महीने में इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मिर्जा इंटरनेशनल को लेकर मंदार का ये भी